हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल हस्की इंडिया जीरो नवाब द व्लॉगर। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि नवाब का जो हेयर फॉल होता है, नवाब की जो शेडिंग होती है, ये पूरी वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो आप लोग बने रहो, जुड़े रहो और देखो कि नवाब कितना शेड करता है, नवाब का कितना हेयर फॉल होता है और हस्की का कितनी बार शेडिंग होती है, क्या हेयर फॉल होता है, मैं सब बताने वाली हूँ। नाबू इधर आओ, आपको व्लॉग में लेना है, जल्दी आओ, व्लॉग बनाना है। चलो इधर आओ, पिछोड़ा दिखाओ अपना, जल्दी अपने ये फर दिखाओ, इच्छे से निकल रहे हैं आपके, निकालो निकालो निकालो, शाबाश, ये तो हाथ से निकालते हैं। ये जो आप हेयर्स के क्लम्स देख रहे हो, जो ये हेयर्स के पैचेस बने हुए हैं और ताशु की टी शर्ट पे भी जो ये बाल देख रहे हो, इन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और ये जो हवा में भी इतने बाल उड़ रहे हैं, तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। तो आओ अब हम बात करते हैं कि नाबू का जो इतना हेयर फॉल हो रहा है, ये जैसे मैं बाल निकाल रही हूँ, तो ये सब क्या है और क्यों है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है नाबू को। तो ये हो रही है भाई हस्की की शेडिंग। हस्की की शेडिंग होती है साल में दो बार, ये ट्वाइस अ ईयर शेड करते हैं। जैसे ही सीजन बदलता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, वैसे ही हस्की शेड करना शुरू कर देता है। सर्दियों में सर्दियों वाला कोट निकालता है, गर्मियों में गर्मियों वाला कोट निकालता है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, हाथों से थोड़े बाल निकाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि कॉम ना भर जाए। अगर मैं ऐसे कॉम से एक बार कॉम निकालूंगी तो कॉम एक बार में ही भर जाएगी। तो इसलिए मैं पहले क्या कर रही हूँ कि पहले मैं हाथों से जितना हो सकता है जो बाहर निकल रहा है, ये पैच और जो ये बाल निकल रहे हैं, इनको हाथों से निकाल देती हूँ। जो हस्की शेड करते हैं, हस्की शेड करते हैं डबल कोट हस्की, एक उनका होता है अंडर कोट और एक होता है इनर कोट। तो ये जो कोट होता है, ये जो हेयर्स होते हैं, ये बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं और ये यूज होते हैं कूल वेदर के लिए। क्यों? क्योंकि सर्दियों में वार्म रखने के लिए। और ये कोट अभी निकल रहा है और अब जो हेयर्स आएंगे वो आएंगे गर्मियों के लिए, और वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, वो लंबे बाल होते हैं जो उनको सनलाइट से, डायरेक्ट सन से, यूवी रेज से और हीट से बचाते हैं और उनको गर्मियों में कूल रखते हैं। ऐसे ही फिर से एक बार और शेडिंग होगी जब सर्दियां आएंगी, तब ये गर्मियों का कोट निकलेगा और सर्दियों वाला कोट आएगा जो इनको वार्म रखेगा। और अब देखो, आप लोग देख रहे हो कि कितने हेयर्स निकल रहे हैं, मैं कंटिन्यू निकाले जा रही हूँ, कॉम एकदम भर गई है। एक बार में कॉम देखो, एक बार ऐसे कॉम निकालती हूँ और पूरी की पूरी कॉम में एक बार में इतने ज्यादा बाल आ जाते हैं। हेयर फॉल को देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इतना बाल निकल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को शेव करवा देते हैं, और हस्की को कभी भी शेव नहीं कराते हैं। इवन हस्की को क्या, किसी भी बच्चे को कभी भी शेव नहीं कराते हैं अगर उनकी शेडिंग हो रही है तो। क्यों? क्योंकि जब इनके बाल निकल जाएंगे, ये गंजे हो जाएंगे, तो इनको डायरेक्ट सनलाइट लगेगी और उससे बहुत एलर्जीज हो जाएंगी। आप लोग खुद देखो कि थोड़ी सी कॉम की और कितने ज्यादा बाल निकल गए हैं। नाबू की ब्रशिंग के लिए मैं ये सारे कॉम यूज करती हूँ। ये जो तीन कॉम है ये शेडिंग के लिए यूज होते हैं, और ये वाला उसके जहाँ पे छोटे हेयर हैं फेस पे और हाथ पैर पे, और ये वाला उसका रेगुलर यूज होता है, और ये तीनों शेडिंग के लिए यूज होते हैं। ये थोड़ा मैनुअल है, इसमें से फर अपने आप निकालना पड़ता है, और ये थोड़ा ऐसे ऑटोमेटिक है, इसमें से फर थोड़ा बाहर आ जाता है तो ईजी निकल जाता है। ये भी सेम है, इसमें भी फर बाहर आ जाता है। तो ये कॉम है जो मैं नवाब की ब्रशिंग के लिए यूज करती हूँ। नाबू को बहुत ज्यादा मजा आता है कॉम कराने में, क्योंकि नाबू की बचपन से हैबिट रही है, डे वन से डेली ब्रशिंग कराता है, तो इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इसको। आओ नाबू, आई आओ, बम्पर कमर पर देखो कौन करे मेरे सोना को। अले अले, करा मैं उठूंगा नहीं। पुष्पा मनोवा ही करा मैं झुकूंगा नहीं, करा मैं उठूंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं, मैं पुष्पा हूँ। नोनी ए नोनी, अब नाबू की कॉम स्टार्ट हो गई है बैक साइड में। हाँ, और अब बात करते हैं कि शेडिंग कब तक होती है, कितने टाइम तक होती है, इसमें कितना टाइम लगता है। तो शेडिंग होती है एक से डेढ़ महीने तक,
और 1 से 1.5 महीना नॉर्मल है, और उस पर भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे का थोड़ा जल्दी हो जाता है और किसी बच्चे का थोड़ा लेट तक चलता है, और ये टोटली डिपेंड करता है उसकी डाइट पे और उसके रहने पे। कि तरफ कैमरा हटाओ और मैं आपको एक बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हमें अपने बच्चों को ब्रशिंग जरूरी ही करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ब्रशिंग के बिना एक तो हेयर बहुत डल हो जाते हैं, और जो ये पैचेस होते हैं हेयर्स के, जो ये बाल निकल रहे हैं, ये निकलेंगे नहीं। अगर ये चिपके रहेंगे तो इनसे बहुत ज्यादा एलर्जीज और फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा अगर ये अपनी जगह से नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे हमें स्वेटिंग होती है इन लोगों को भी स्वेटिंग होती है, और जब तक ये पुराने बाल नहीं निकलेंगे, नए नहीं आएंगे इनकी जगह पे, तो इनको एलर्जीज हो जाएंगी और इनकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। और हाँ, अगर आपके बच्चे का हेयर फॉल और ज्यादा हो रहा है, बहुत एक्सेसिव पॉइंट पे हो रहा है, तो आप अपने वेट से कंसर्न करो कि इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके और भी रीजन हो सकते हैं, एलर्जी, फ्लीज, ड्राई स्किन, फंगल इन्फेक्शन और काफी कुछ। तो और आपको अपने बच्चे को रोज रोज बाथ नहीं देनी है, ऑल्टरनेट पे भी नहीं देनी है, महीने में 2 बार मतलब कि 15 दिन में 1 बार बाथ देनी है। और हाँ, इसको अगर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे कम हो, इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतने बाल निकल रहे हैं, तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको डेली कॉम करो, डेली ब्रशिंग करो, और टाइम से महीने में 2 बार उसको नहलाओ, और एक अच्छा डी शेडिंग शैम्पू यूज करो, और बाद देने से आधा घंटे पहले उसको ऑयलिंग करो कोकोनट ऑयल से, या अगर आपके पास कोई मेडिकेटेड है जो आपके वेट ने दिया है। और आप ये लोग देख रहे हो, मैं नाबू के हाथ पैर कॉम कर रही हूँ, तो ये जो छोटी वाली कॉम है, मैं इससे इसके हाथ और पैर और फेस जहाँ पे छोटे हेयर्स है, मतलब कि जो छोटे हेयर्स है, मैं उनको इस वाले कॉम से यूज करती हूँ। तो आप लोग देख रहे हो नवाब कितने आराम से, कितने कामली आराम से पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है कि ठीक है मम्मा आप करो। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि नाबू की मैं डेली ब्रशिंग करती हूँ, डेली कॉम करती हूँ, तो उसे हैबिट है, उसे पता है कि मेरी ब्रशिंग होनी है। तो ऐसा नहीं है कि कभी इसको साल 6 महीने में या 10-15 दिन में, महीने में एक बार किया है तो वो डरेगा और उसे लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये उसकी डेली रूटीन है, तो डेली कॉम करवाता है और बड़े मजे से पड़ा हुआ है। इसको फेस इसके फेस पे भी बाल लगे हुए हैं, देखो बाल चिपके हुए इसी के। गुगू बॉल हटवा लो, बाल बटन गुड्डा। और हाँ, डेली ब्रश करना, डेली कॉम करना, दिन में 2 बार करना, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उस बात से कि डेली तो आप नहीं कर सकते हो, तो आप अगर हफ्ते में 1 बार भी करते हो तो भी बहुत अच्छा है। मैं तो भाई देखो, एक साइड करती हूँ सुबह, एक साइड करती हूँ शाम को, लेकिन मैं करती हूँ रेगुलर। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि शेडिंग रुक जाए या इसे कैसे रोके, तो हम इसे रोक नहीं सकते, हम इसे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ डेली ब्रश करके और डेली इसको कॉम करके हम मैनेज कर सकते हैं। आप उल्टी डायरेक्शन में क्यों कर रहे हो? उल्टी डायरेक्शन में इसलिए करते हैं कि जो हम सही डायरेक्शन में करते हैं तब क्या होता है, नॉर्मल हेयर निकल जाते हैं, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में हम करते हैं, हमें करना भी चाहिए। उससे क्या होता है, जो हमारे डेड हेयर्स होते हैं, जो हम फ्रंट साइड से लेके जाते हैं कॉम को, तब नहीं निकलते हैं। हम उल्टी डायरेक्शन में करेंगे तो इससे सारे डेड हेयर निकलेंगे, और डेड हेयर निकलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर डेड हेयर नहीं निकलेंगे, वो अपनी जगह पे ही चिपके रहेंगे, तो क्या होगा कि जैसे हम लोगों को स्वेटिंग होती है, इन्हें भी स्वेटिंग होती है, तो इन बच्चों को स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होके वो जब तक अगर वो हेयर नहीं निकलेंगे तो वहाँ पे वो हेयर चिपके रहेंगे, और हेयर चिपके रहने से जब स्वेटिंग होगी तो फिर इन्फेक्शन बनेगा, जिसे मोस्टली बहुत हस्कीज में देखा भी जाता है, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन बन जाता है। तो डेड हेयर निकालने बहुत ज़रूरी है। नाबू का पोज देखा आपने? कह रहे मम्मा ऐसे करो ना प्लीज। सुनो सुनो सुनो, बस मम्मा को पीछे दे दो, बीच बीच में मम्मा को भी तो बूस्टर चाहिए होता है ना, पीछे दे दो मम्मा को। अजय गुद्दा गधे, ओ गधे तेरे ही बाल है, क्योंकि अगर ब्रश सही नहीं होगा तो इसके कोट को हार्म पहुंचेगा, और
ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही ब्रश यूज करो, सही टूल यूज करो। और एक बात और कि हस्की किसी भी डॉग से कहीं ज्यादा शेड करते हैं, इनका जो हेयर फॉल होता है, इनकी जो शेडिंग होती है वो नॉर्मल डॉग से कहीं ज्यादा होती है। और जो आप दूसरे डॉग्स देखोगे उनके हेयर मोटे होते हैं, वो थोड़ा झाड़ू में आ जाते हैं, लेकिन नाबू के मतलब कि हस्की के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा पतले होते हैं। वो इतने ज्यादा पतले होते हैं कि वो कपड़ों पे, बेडशीट पे, बेड पे, सोफे पे चिपकते हैं, ना कि वो झाड़ू में आ जाए या हम उनको उठा पाए हाथ से। और फिर क्या होता है कि जब पंखा चलता है या एसी चलता है या नॉर्मल भी हवा चलती है तो वो एक रुई का ऊन का गोला सा बन के सारे बाल इकट्ठे होके और ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं, जैसे बादल नहीं उड़ते रहते। तो नाबू के जो हेयर्स हैं वो चिपकते ज्यादा हैं, वो कभी भी हम उसको उठाना चाहें या उसको झाड़ू में लेना चाहें वो कभी नहीं आते हैं। वो एक ऊन का गोला सा बन के इधर उधर उड़ते रहते हैं और बालों पर बहुत ज्यादा चिपकते हैं। और इतने चिपकते हैं कि नाबू कहीं भी जाता है, किसी भी रिलेटिव के घर, किसी भी फ्रेंड के घर, तो महीने दो महीने बाद भी इसके बाल होते हैं। आगे ये क्या है? और है मुंह पे भी बाल लग गए। ये क्या है? ये क्या है? ना वो ये क्या है? जादू। मैंने बोला था ना जादू मिलेगा, जादू। लीला पजामा हो जाएगा वाइट। ओ मेरे गुड्डा, आपने इतने बाल निकाले, एक और हस्की बना लिया आपने। तो ये देखो भाई, नाबू की ब्रशिंग हो चुकी है, जितने भी उसके हेयर्स थे जो पैचेस बने हुए थे वो सारे मैंने निकाल दिए, अच्छे से ब्रशिंग हो चुकी है। ब्रशिंग में कम से कम 2 घंटे लग गए हैं मुझे, और मैं सीरियसली मैं थक गई, और वो तो खैर डेली का काम है, ये सुबह शाम जब भी करती हूँ मैं। तो नाबू के जो हेयर निकले हैं वो ये हैं, और हमने इसे एक और हस्की बना दिया है। आप लोग सभी डिमांड करते हो कि कभी भी नाबू के हेयर्स निकलते हैं तो उससे ब्रशिंग जो नहीं होती है तो उसके ना एक और हस्की बनाओ। और ये देखो, ये मेरा पजामा, रोहन थोड़ा जूम करो आप। हाँ जी दोस्तों, तो नाबू की ब्रशिंग हो चुकी है और हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें और किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी है, हम आपके लिए नए वीडियो लेके आएंगे। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, हम लोग मोटिवेट होते हैं और नया कॉन्टेंट लाते हैं। तो मोटिवेट करो, सब्सक्राइब करो, और नाबू को ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू। और अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करो, तभी जब आप रिस्पेक्ट करोगे तभी सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा। अपने बच्चों के लिए स्टैंड लो। थैंक यू सो मच।